अब जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव, एक की मौत, 4 का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। फिर मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। खबर है छिंदवाड़ा से, जहां 14 दिन पहले जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। 3 दिन पहले अचानक बिगड़ा स्वास्थ्य, जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। पिछले एक पखवाड़े से कोरोना को लेकर राहत की सांस ले रहे जिले वासियों के लिए यह खबर फिर चिंता में डाल देने वाली है कि कोरोना से मृतक किसनलाल का दोस्त भी आपको राणा पॉजिटिव पाया गया। केवराली निवासी गोकुल पिता मोतीलाल राठौर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। अब छिंदवाड़ा में एक मौत के साथ 4 लोग संक्रमण पाए गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताएं, आज एक और पेशेंट गोकुल राठौर, जिसको पूर्व से ही क्वारंटाइन किया गया था सिंगोड़ी में पृथक से, उनका भी आज ब्लड सैंपल भेजा गया था जबलपुर, वो भी आज पॉजिटिव पाया गया है। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि वो पहले से ही क्वारंटीन थे और उनका संपर्क चैन तोड़ दिए थे हम लोगों ने, और उनके माता पिता जो और 4 सदस्य और घर के लोग हैं जो केवलारी में हैं, उनको भी होम क्वारंटाइन पहले से कर रखे हैं हम लोग, और अब उठा करके उनको हम संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं कन्या परिसर में। और जिरलिंगा में भी कुछ परिवार उनके उसमें थे, संपर्क में आए थे, तो उनको भी हम लोगों ने पहले से चिन्हित कर रखा है। सभी के सभी पूर्व से होम क्वारंटाइन है, उनको भी हम आज ला करके संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं कन्या परिसर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन पहले इनको 7-8 तारीख को इनका ब्लड सैंपल गया था इनका, उसमें भी निगेटिव आए थे, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें रखा गया था होम क्वारंटाइन में, संस्थागत क्वारंटाइन में। और अभी 2 दिन पहले इनको कुछ सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तो इनको जिला अस्पताल ला कर आइसोलेट कर लिया गया था और इनका कल सैंपल भेजा गया था और आज वो पॉजिटिव आ गया। अभी वर्तमान में कहाँ पर एडमिट है? अभी जिला अस्पताल के स्पेशल यूनिट में रखे गए हैं। सर, सिंगोड़ी में और कितने पेशेंटों को रखा गया है वहाँ पर? सिंगोड़ी में टोटल उनके जो पुराने जो संपर्क में 52 लोग थे, सभी सिंगोड़ी में हैं और सभी दूर दूर पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पर। और पहले भी जो 2 आए थे, वो 3 जो जितने भी पेशेंट हैं अपने, सभी किशनलाल के संपर्क ही हैं। छिंदवाड़ा से आशीष मालवी की रिपोर्ट।